बिहार में कोरोना संक्रमण अब काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल बिहार और ख़ासकर पटना की अगर बात करें तो जितने भी निजी और सरकारी अस्पताल हैं सभी में लगभग जो तमाम बेड हैं वो फुल हो चुके हैं, लेकिन जहां बेड खाली हैं वहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज कराने में काफ़ी समस्या हो रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हैं या फिर आयुष्मान भारत कार्ड, वो फ़िलहाल कोई भी निजी अस्पताल नहीं ले रहे हैं। सभी निजी अस्पतालों का साफ तौर पे कहना है कि कैश साथ में लेकर आएँ तभी इलाज कराएं। जब इस पे हमने पटना के विभिन्न छोटे और बड़े निजी अस्पतालों से बात की कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हो रही, तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल हम प्राथमिकता दे रहे हैं मरीजों के जान बचाने के लिए, और जो भी तमाम हेल्थ कार्ड हैं या फिर कह सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और उतना समय हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। उसका क्या, आप लोग अभी उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हेल्थ कार्ड वाला तो ले रहे हैं, आयुष्मान वाला तो मेरा है नहीं अभी। अच्छा, नहीं है। ओके, नहीं बहुत सारे अस्पताल वाले बोल रहे थे कि उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, इसलिए हम लोग फिलहाल नहीं ले रहे हैं। मतलब तत्काल में समय लगता है ना, पैसा आने में। अच्छा, वो जो इंश्योरेंस वाला कार्ड होता है उसमें समय लगता है, मतलब ये आने में पैसा है ना? अच्छा, इसलिए आप लोग मतलब ज्यादा कैश प्रेफर कर रहे हैं ना? चलिए, तो देखिए आज शाम तक अगर ऑक्सीजन आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा होता है करते हैं हम लोग कुछ। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। पेशेंट आ गए हैं, हाँ, अगर होते, अगर पेशेंट कम होते हैं वापस रिकवर होते घर जाते हैं तो फिर हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं। अच्छा, फिलहाल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो आयुष्मान कार्ड है या फिर जो हेल्थ कार्ड है वो मतलब फिलहाल एक्सेस हो रहा है, मतलब वो ले रहे हैं आप लोग, उस पर इलाज कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि उसमें जो प्रोसेस का है ना बहुत काफी टाइम लग जाता है, तो अच्छा। बहुत कम लोग आ रहे हैं उसे लेके, तो उसमें तो नहीं, लोग तो ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं कि जल्दी से वो एडमिट करे अपने पेशेंट को और रिकवर करे, तो हम लोग डायरेक्ट अभी कैश पे ही और जो भी पेमेंट मेथड होते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कैश पे ही अभी फिलहाल चल रहा है? जी हाँ। अच्छा, और ये ऑक्सीजन का भी कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ जी, ऑक्सीजन सिलेंडर अभी काफी कम है और जो भी मिल रहा है आप लोग को पता ही है ब्लैक मार्केट है, तो दिक्कत हो रहा है, सबको दिक्कत है सारे हॉस्पिटल्स में। तो जो कार्ड जिनके पास है हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस कार्ड, तो उन लोगों को भी तो दिक्कत हो रहा होगा, मतलब उस पर इलाज नहीं हो रहा है तो अभी। जी हाँ, अब हम क्या किया जा सकता है, अभी फिलहाल तो सब कैश पे है और जो इंश्योरेंस के सारे जो प्रोसेस है वो तो अभी बहुत कम ही हॉस्पिटल है वो जो कर पा रहे होंगे, मुझे तो बहुत कम लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। कोई पेशेंट ले रहे हैं? अच्छा, इलाज चल रहा है। ओके, मतलब ऑक्सीजन का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जी, ऑक्सीजन का तो कमी हो रहा है और जितना नंबर ऑफ पेशेंट आ रहे हैं उतना हम लोग ज्यादा से ज्यादा करने का कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्योर कर सके। अच्छा, ये बताइए कि जो आयुष्मान कार्ड है या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है वो अभी आप लोग ले रहे हैं कि नहीं? जी, हम लोग पहले लेते थे लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अभी मतलब हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, और जितने भी पेशेंट है कुछ पेशेंट उसको लेके आ रहे हैं लेकिन अभी हम लोग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उसके कारण मतलब किसी पेशेंट को वापस भी जाना पड़ रहा है क्या? जी, वापस तो नहीं जाना पड़ रहा है, वो मतलब ऑनलाइन पेमेंट या फिर कैश देकर अपना इलाज करवा ही रहे हैं। अच्छा, मतलब कैश या ट्रांसफर ये सब करके करा रहे हैं? जी। अच्छा, तो मतलब क्या, मतलब ये जो है कार्ड वार्ड इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उन लोगों को? जी, बेनिफिट मिलेगा, मतलब अभी तो नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है इसलिए, और नंबर ऑफ स्टाफ भी हम लोग मतलब हॉस्पिटल में कम है इसलिए, लेकिन बाद में उनको रिबेट कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब बाद में कर दिया जाएगा, और मतलब फिलहाल आप लोग कैश लेके काम कर रहे हैं? जी। और चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे में काफ़ी मुश्किल है कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको देखा जाए, जो हेल्थ कार्ड हैं या फिर जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसे इस्तेमाल किया जाए। हालांकि कुछ अस्पताल प्रबंधकों ने यह बताया कि जो भी हेल्थ कार्ड है लोगों का या जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो बाद में उन्हें कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और जो उनके पैसे हैं वो उन्हें वापस भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और जहां एडमिट हो रहे हैं निजी अस्पतालों में वहां पे सिर्फ कैश मांगा जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की और कोरोना संक्रमित मरीजों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि क्या इसको लेकर के सरकार कुछ ठोस कदम उठाती है या फिर इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी।
प्रणव राज, ईटीवी भारत, पटना।